everyone, welcome in our open office practical class. So dear students, today we are going to start the presentation, okay? And in open office you can say it is the impress, okay? So dear students, firstly we discuss about that what is a presentation. Presentation kya hoti hai? The application software that can create the professional looking visual ads is called the presentation, okay? And we have some slides in presentation also. What are the slides? A slide is an electronic presentation which can be run on a computer screen. Okay, जो हमारी slide show की help से run होती है. तो आज हम बात करते हैं कि slide जो होती है, जो presentation है, उसको कैसे create किया जाता है. So dear students, देखिए कैसे create होगा. Firstly click on the start button, then click on the whole program. एंड यहाँ से आपको किस पे क्लिक करना होगा, ओपन ऑफिस 4.1.1 वर्जन. एंड फ्रॉम हियर क्लिक ऑन द ओपन ऑफिस इम्प्रेस. ओके, सो ये देखिए जैसे हम ओपन ऑफिस पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर हमारे पास थ्री ऑप्शंस दिए हुए हैं, एम्प्टी प्रेजेंटेशन, फ्रॉम टेम्पलेट एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. आपको करना क्या है, फर्स्टली हम यूज करके देखते हैं एम्प्टी प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट की जाती है. देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. अब ये देखिए, ये बैकग्राउंड के लिए हमारे पास कुछ डिजाइन दिए हुए हैं स्लाइड के, जो आप स्लाइड्स लेना चाहते हैं, जैसे कि ब्लू बॉर्डर में आपको लेनी है. ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स हैं हमारे पास, तो आप इन डिजाइन को यहाँ से ले सकते हैं, ब्लू एंड ग्रे. मान लो हमने ये वाला लिया है, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. अब ये देखिए, अगर हम इस स्लाइड के ऊपर या इस प्रेजेंटेशन पर कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं, आप इफेक्ट यहाँ से ले सकते हैं. ये देखिए, जैसे कि ये इफेक्ट है, देन ये देखिए यहाँ से ये वाला इफेक्ट. ओके, स्पीड, आपकी इफेक्ट की जो स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए, स्लो, मीडियम या फास्ट, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हैं. ओके, जब ये कंप्लीट ऑप्शंस आपके हो जाए, देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. ये देखिए, जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है वो आपकी क्लिक क्रिएट हो जाएगी. और यहाँ पे लिखा हुआ था क्लिक टू ऐड टाइटल. यहाँ पे आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है और स्लाइड्स को उसके अंदर ऐड करना है, उन्हीं से रिलेटेड हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन के टॉपिक को डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें जो अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है उसका कोई टॉपिक है, मान लो साइबर, और टैक्स हमें यहाँ पे जो भी लेना है, आप अपने साइबर का जो भी टैक्स लेना चाहते हैं वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से हम किसी भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं. अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लो हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन की बजाय कोई टेम्पलेट क्रिएट करना हो एज अ टाइटल, वो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो देख लीजिए. आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द न्यू एंड प्रेजेंटेशन ऑप्शन. ओके, टैक्स डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेना है, स्प्रेडशीट भी नहीं लेनी है, हमें लेना है प्रेजेंटेशन. ओके, अब यही सेम ऑप्शंस आगे जो हमारे स्टार्टिंग में आए थे, हमें यहाँ पे क्या लेना है, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है. और यहाँ पर हमारे पास अलग अलग डिजाइन होते हैं, बैकग्राउंड है हमारे पास, आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं. देखिए, आप किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ से चूज कर सकते हैं, ब्लू विद बॉटम टाइटल, आपको कोई भी अगर लेनी है इस टाइप की, हम ले सकते हैं. ओके, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. ये वही है जो अभी अभी हमने यूज किया था अपनी ब्लैंक प्रेजेंटेशन के अंदर. आप यहाँ से भी कुछ डिजाइन है स्लाइड के, उनको चूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट बटन, यहाँ से आप इफेक्ट सेम एज इट इज, अगर आपको कोई इफेक्ट लेना है तो आप यहाँ से इफेक्ट को ले सकते हैं, ये लेफ्ट या राइट, जो भी इफेक्ट आप लेना चाहें. आप इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. अब ये देखिए, यहाँ पर क्या होगा, आप जो प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं उस प्रेजेंटेशन के लिए आपको कोई टाइटल या फिर कोई कंपनी का नेम, इस टाइप से कुछ डेटा आपको एंटर करना होगा, उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास. आप यहाँ पे अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं. जैसे कि मान लो हम यहाँ पे क्या एंटर करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्टली हम डाल देते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द, व्हाट इज योर नेम, सॉरी व्हाट इज योर नेम, या फिर व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी. आप जो टाइटल, जो प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं वो किस कंपनी से रिलेटेड है या आपकी किसी टॉपिक से रिलेटेड है, आप वो यहाँ पे डाल दीजिए. जैसे हम मान लो यहाँ पे डाल देते हैं, नेम ही डाल देते हैं, सुमित्रा. व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का सब्जेक्ट क्या है, किससे रिलेटेड आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं,
जैसे कि मान लो हमने यहाँ डाल दिया सोलर सिस्टम, ओके। फर्दर आइडियाज टू बी प्रेजेंटेड, आपको कौन कौन से आइडियाज यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं उनके बारे में आप डिटेल्स दीजिए यहाँ पे। जैसे कि मान लो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाल देते हैं, उनसे रिलेटेड हम प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट इज व्हाट इज सोलर एनर्जी। देन सेकंड क्वेश्चन हमने डाला मान लो एडवांटेज ऑफ द सोलर एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ डाल सकते हैं हाउ इट वर्क, then benefits, कुछ ये हमने यहाँ पे टॉपिक्स डाल दिए हैं। और ये उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पर, क्लियर। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, पेजेस हैं आपके, आपको कौन कौन से पेजेस को चूज करना है। हमारे पास यहाँ पे ओनली सिंगल पेज ही है, तो आप यहाँ पे ये वाले पेज को चूज कर लेंगे। समरी क्रिएट करनी है, देन आप यहाँ पे क्लिक करके समरी भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। तो ये देखिए हमने टू ही पेजेस को वहाँ से चूज किया था, तो ये है आपका टाइटल वाला जो फर्स्ट पेज है, और ये है आपका सेकंड। यहाँ पे ऐड आपको टाइटल डाल सकते हैं, और ये आपका जो सोलर सिस्टम आपने डाला था इससे रिलेटेड कोई भी डाटा आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, क्लियर। तो अब ये देखिए ये हमारे पास साइड में लेआउट है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास स्लाइड्स दी हुई हैं। जैसे कि ये है आपकी टाइटल स्लाइड, आप यहाँ पे अपनी स्लाइड के अंदर टाइटल ऐड कर सकते हैं। ये है आपकी कंटेंट एंड टाइटल ओनली, ये आपका ओनली टाइटल स्लाइड है। ये है आपकी सेंट्रल टेक्स्ट, इस पर क्लिक कीजिए तो आपकी जो स्लाइड है उसका जो स्लाइड का कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा, सॉरी जो स्लाइड है आपकी वो आपकी इस टाइप से चेंज हो जाएगी। और ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मीन्स यहाँ पे जो आपका सोलर सिस्टम है, जो आपका टाइटल वो मिड में आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करना होगा, क्लियर। सो नेक्स्ट, अब हम अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पे ओनली टू ही स्लाइड्स ऐड की है, हम चाहते हैं यहाँ पे कोई नई स्लाइड को ऐड करना, तो आप उसको कैसे करेंगे, ये देखिए आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट देन स्लाइड, और ये देखिए यहाँ पर आपकी न्यू स्लाइड एंटर हो गई। मान लो हमें थर्ड के बाद फोर्थ स्लाइड लेनी है, देन इंसर्ट and slide, okay। One more thing dear students, यहाँ पर जो हम ये slide देख रहे हैं, हमारे पास actually कुछ अलग अलग options होते हैं slide को show करने के। जैसे कि ये हमारा normal view है, ये है हमारा outline view, ये देखिए इस type से outline में आपको आपकी slide show होगी। ये है notes view, अगर आप यहाँ लेंगे तो आप अपनी slide के साथ कोई भी notes को add कर सकते हैं। उसके बाद है आपका slide shorter, जहाँ पर आपको single page पे ही सभी slides show होंगे, क्लियर। और यहाँ पे हम क्लिक करके अगेन अपने नॉर्मल व्यू को शो कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आप ट्राई कीजिए स्लाइड्स को बनाने का, और एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए किसी भी एक टॉपिक को लेके। कल हम डिस्कस करेंगे कि इन प्रेजेंटेशन को मान लो कोई डिजाइन ऐड करना है, कोई इफेक्ट डालना है, अलग अलग टाइप के इसमें स्टाइल्स ऐड करने हैं, पिक्चर्स ऐड करनी है, कंटेंट के डिफरेंट मान लो हमें कोई नोट्स बनाने हैं, तो वो कैसे बनाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।